शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रानी माँ, अब आपने सिड़की को सबक सिखा दिया, अब सुराज को भी मां। नहीं, वो वही रहेगा जहां मैंने उसे रखा है। कान खोलकर सुन लो, जो मेरे दिए हुए कार्यों में असफल होगा मैं उसके साथ भी वही करूंगी जो मैंने स्वराज के साथ किया। फिर पड़े रहना गंदगी में। जरूर ये कोई गुप्त रास्ता होगा। कौन है वहाँ? बचाओ, कोई है? हे अंबे माँ, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी अम्मे माँ की मूर्ति वही रह गई। कोई है? कोई है यहाँ? ये मैं कहाँ आ गई? दिख गया मुझे बाहर जाने का रास्ता। मेरी मदद करो। इतनी सारी मधुमक्खियां कहां से आ गई? मुझे इनसे निपटने के लिए कुछ करना होगा। ये तो और तेजी से मेरी तरफ आने लग गई। अब मैं क्या करूं? मधुमक्खियों को आग से डर लगता है, मुझे आग जलानी होगी।
ये आग क्यों नहीं जल रही? बचाओ! हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घमंडी लड़की मुसीबत में है? वो क्या मुसीबत में होगी जो खुद एक मुसीबत है? पर हम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? जब से यहां पर आई है ना, हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया उसने। तो हमें बार बार उसी का ख्याल आ रहा है। हमारे कक्ष में हमारे सामानों के साथ छेड़छाड़ किसने की? कोई सामान ही नहीं मिला। हे भगवान, हे भगवान, मैंने पूरा कमरा ठीक किया था पर तुमने सब कुछ बिखेर दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारे कक्ष के नक्शे को इस तरीके से बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं, सवारा था। और किस हक से? एक दासी का कर्तव्य निभाते हुए मैंने इस पूरे कमरे की सफाई की। और आप ही ने कहा था ना, मुझे आराम नहीं सिर्फ काम करना चाहिए, तो मैंने अपना काम किया। नाराज होने की जगह शाबाशी देते तो बहुत अच्छा लगता महाराज। प्यारी गुड़िया है ये, और तुमने इसे भी उठाकर फेंक दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगता इतनी प्यारी सी गुड़िया पर अपना गुस्सा उतारते हुए? गुस्सा हमें तुम पर और तुम्हारी इन बिन सर पैर की बातों पर आ रहा है। अब इस गुड़िया को घूरना बंद करो, कक्ष की सफाई करो और जाओ यहाँ से। मैं इसे घूर नहीं रही थी, क्योंकि इसे देखकर मुझे कुछ याद आया। मेरे पास भी एक प्यारा सा गुड्डा है, बिल्कुल इसकी तरह। और मैं नानी को हमेशा पूछती थी कि मेरे गुड्डे की गुड़िया कहाँ है। मुझे अब तक कुछ भी नहीं बताया। और तुम्हें पता है, मेरी माँ अपने हाथों से गुड्डे गुड़िया बनाया करती थी, एकदम प्यारे प्यारे। और मेरे पास जो गुड्डा है वो इतना प्यारा है कि उसके लायक कोई गुड़िया मिली ही नहीं आज तक। बेचारा आज तक कवारा है, पर इस गुड़िया को देखकर लगता है इसकी जोड़ी मेरे गुड्डे के साथ ही जमेगी। क्या इस गुड़िया को मैं अपने साथ रख सकती हूँ ताकि जब मैं अपने घर वापस जाऊँ तो मैं इस गुड़िया का विवाह अपने गुड्डे के। जो तुम घर जाने के सपने देख रही हो ना, ये देखना बंद कर दो। और दूसरी बात, ये गुड्डे गुड़िया की कहानी सुनाने के लिए तुम्हें किसने कहा? जब देखो काम छोड़ करके कहानियां सुनाने लग जाती हो। काम चोर कहीं की, अब हटो हमारे सामने से। हमें शिकार पे जाना है, तब तक हमारा कक्ष साफ कर देना। काम चोर किसने बांधा ये हमें? लगता है ये भी उस घमंडी लड़की ने हमें पहनाया होगा। पर अगर वो हमसे इतनी नफरत करती है तो हमारी इतनी परवाह क्यों करती है? उसे समझ पाना नामुमकिन है। कभी हमारे चेहरे पर नमक छिड़कती है तो कभी मरहम लगाती है। घमंडी लड़की, बस बहुत नाटक हो गया इस लड़की का। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे हमेशा के लिए इस आफत से मुक्ति मिल जाएगी। जाओ यहां से। चंदलेखा, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? बताओगी भी क्या हुआ? चंद्रलेखा, मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? तुम मेरी सहेली हो, कोई पूछ नहीं जो हर वक्त साथ रहो। महल में और भी बहुत से काम है,
जाकर निपटाओ। मुझे अकेले रहना है। ये तो हमेशा अपने साथ मुझे रखती थी, पर आज क्या खास बात है जो ये मुझसे छुपा रही है? पता नहीं क्यों मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा इस रहस्यमय महल में आना, पंडित जी का मिलना, उनकी मृत्यु हो जाना, कैसे सुलझाऊंगी मैं इन सारे रहस्यों को? क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे ढूंढूं बाहर जाने का रास्ता? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हे अंबे माँ, अब आप ही मुझे राह दिखाइए बाहर जाने का। लगता है यही है बाहर जाने का रास्ता। क्या हुआ धीराज, कुछ चाहिए आपको? जाओ जाकर उस दासी को बुलाओ। हमारी सेवा करने का अधिकार उस दासी का तुम्हारा नहीं। जाओ। अधिराज, आपकी सेवा करने का अधिकार केवल उस दासी का नहीं बल्कि आपकी होने वाली पत्नी का भी है। आप बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए? हमें आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। राज, कुछ है क्या यहाँ? आपके हाथ में क्या है? तुम्हें हमारी सेवा करनी है ना, जाओ जाकर के सैनिकों को बुलाओ, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। जाओ जाओ कनक। हाथ में क्या है? मिलना तो नहीं चाहती इससे, मगर क्या करूं, यही है जो मुझे उस आफत से मुक्ति दिला सकती है। शक्तिशाली, हे महागुणी, तुम ही हो अद्भुत, तुम ही परम ज्ञानी, हम सब डाकनियों को शिक्षा देने वाली भी तुम हो, हम सबको शक्तिशाली बनाने वाली भी तुम हो। आज मुझे एक बार फिर तुम्हारी जरूरत है, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो मुझे। तनी से बुलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? इतने सालों से नाराज जो बैठी है। ये पत्थर, इसे यहां से हटाना होगा।
अभी नहीं है मतलब? जी राजकुमार, हमने पूरा महल छान मारा लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। ठीक है, जाओ यहाँ से। तुम्हारे ठीक होते ही मैं इस महल से भागकर अपनी नानी के पास जाऊं। हे अंबे मां, मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अचानक भूकंप, भाई जी ये तो हिल क्यों रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है इस महल में, कभी आंधी आती है तो कभी तूफान, अब देखो भूकंप भी आने लगा। ये क्या हो रहा है? रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अचानक महल में कंपन कैसा है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये महल थर्रा क्यों रहा है। कितनी परीक्षा लोगी मां, अब तो मुझे सफल कर दो। अम्बे मां मेरी मदद करो। पता लगाने की कोशिश कर लिया करो। पर इस भूकंप का पता कैसे करे चंद्रलेखा? ये भूकंप नहीं, उससे भी बड़ी घटना है। लगता है किसी ने तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की।
दया करो, मदद करो माँ। अम्बी माता का शुक्र है कि तुम यहाँ आकर भी सुरक्षित हो। आप अम्बी माँ पर भरोसा करती हैं? हाँ, करते हैं भरोसा। जो आरंभ है और अंत भी, जो जीवन भी है और मृत्यु भी, जो शक्ति भी है और भक्ति भी, उस पर कोई कैसे विश्वास नहीं कर सकता? नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस महल में किसी को भी अम्बे माँ पर कोई भरोसा नहीं है। वे लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते, ना ही अम्बे माँ की मूर्ति रखते हैं इस महल में। पर आपके मुँह से अम्बे माँ का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद माँ जी। वैसे अब है कौन? रानी साहब, कोई अंदर गया था। जिस बात का डर था वही हुआ। वो लड़की कहाँ है? वो तो रसोई में थी रानी साहिब, मैंने थोड़ी देर पहले वहीं पे देखा था। तुम दोनों अधिराज पर नजर रखना, उसे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जाओ, तुम दोनों भी जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 21 सालों में उस द्वार तक कोई नहीं पहुंच सका, फिर आज कैसे? इस हालत में कहीं कहीं वो रानी की वजह से तो नहीं है आप यहाँ? पता नहीं कितने राज छुपे हुए हैं इस महल में और मैं यहाँ आकर फंस गई। पर आपको पता है मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे वो अड़ियल घुड़सवार, मेरा मतलब राजकुमार अधिराज ने मुझसे विवाह किया और मुझे यहाँ लेकर चला आया। अधिराज? हाँ, उसी कठोर रानी का घमंडी बेटा है अधिराज, जो मुझे जबरदस्ती यहाँ इस राजमहल में ले आया। कोई बचाइए, मदद करिए हमारी, कोई बचाओ। तुझे क्या लगा था मैं तुझे आसान मौत दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो मजा तड़पा तड़पा के मारने में है, वो मजा एक झटके में मारने में नहीं। तुम चाहती क्या हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हारा बेटा। नहीं, हम अपना बच्चा नहीं देंगे, नहीं देंगे अपना बच्चा, नहीं देंगे। मैंने तेरे पति को तो मार दिया, तेरे बेटे को नहीं मारूंगी मैं। सिंदूर फेंका था ना तुमने मुझ पर, तकलीफ दी थी ना मुझे। अब देख, मैं तेरे महल, तेरे बेटे और तेरा पद छीन कर तुझे कैसे तकलीफ देती हूँ। मगर ये सब देखने और सुनने के लिए, तेरा जिंदा रहना भी तो जरूरी है। आपको पता है मैंने क्या नहीं किया इस महल से भागने के लिए, पर मैं सफल हो ही नहीं पा रही हूँ। आप बताइए ना, आप यहाँ क्यों रहती है? मेरा ये राज किसी के सामने नहीं आ सकता, बस मेरा ये डाकनी रूप किसी और ने ना देखा हो। जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। कुछ तो बताइए आपके बारे में, आप कौन हैं? हमारे बारे में कुछ मत पूछो, तुम जाओ, अपना जीवन बचाओ, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। भगवान के लिए हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, जाओ इससे पहले कि वो आ जाए और तुम्हें भी हमारी बेटी की तरह अपने कब्जे में कर ले। तुम जाओ, देखो उस तरफ बाहर जाने का रास्ता है, जाओ। तो आप भी चलिए ना मेरे साथ। हम नहीं चल सकते, तुम हमारे बारे में मत सोचो, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी माँ जी। कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। Hey. कौन आया था यहाँ, या फिर तूने भागने की कोशिश की? हाँ, आखिर मैं तुम्हारी कृपा से उस रहस्यमय महल से बाहर निकल ही गई। हमारे बारे में कुछ मत पूछो, तुम जाओ अपना जीवन बचाओ, जाओ 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 यहाँ से, जाओ। नहीं, जिन्होंने मेरी जान बचाई उन्हें मैं मौत के मुंह में छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? इतना तो समझ में आ गया है, उन्हें भी उस रानी ने वहां छुपा कर रखा है। और दूसरी बात, वो भी मेरी तरह अंबे माँ की भक्त, मुझे उन्हें उस रानी के अत्याचार से बचाना होगा। जय अंबे माँ।
तेरी सुरंग में एक छेद हो चुका है चंद्ररेखा, तेरी अति का अंत होने वाला है, अंत। आज मैंने तेरे विनाश को देखा है, बहुत करीब से देखा है, तेरा विनाश, विनाश। लगता है तेरा दिमागी संतुलन भी बिगड़ रहा है रानी, इसलिए तू पागलपन में कुछ भी बड़बड़ा रही है। मगर कान खोलकर सुन ले, चंद्रलेखा के विनाश के बारे में सोचने वाले का सर्वनाश कर देती है चंद्रलेखा। शायद तू भूल रही है कि 21 साल पहले मैंने तेरे साथ क्या किया था। नजरों के सामने मैंने तेरे पति को मार दिया था, तेरे बेटे और तेरे महल पर कब्जा किया था, इस पूरे महल को अदृश्य कर दिया था पूरी तरह से, तुझे रानी से गुलाम बनाकर यह छुपा दिया था। इतना सब किया मैंने, कौन रोक पाया मुझे? कोई नहीं, तू भी नहीं। मेरा विलास देखा था ना तूने? चल आज मैं तुझे फिर चुनौती देती हूँ, अगर हिम्मत है तो भाग कर दिखा, भाग कर दिखा। ये मेरी हिम्मत ही है कि मैं आज तक यहाँ से भागी नहीं। और एक बात तू कान खोलकर सुन ले, जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। याद आ गया, मैं यही तो बताना चाहती थी उस अडर सुबह को, उसकी माँ की सच्चाई। अब मैं समझ गई, शायद इसी ने मुझ पर जादू किया होगा जिसके कारण मेरी आदर्श चली गई। और अब मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं जान चुकी हूँ ये औरत है कौन। तुझे मेरे इस रूप से डर नहीं लगता ना? ठहर जा, मैं तुझे तेरे ही बेटे का ऐसा रूप दिखाऊंगी कि तू अपनी ममता भूल जाएगी, क्योंकि वो तेरे ही सामने, तुझे नहीं मुझे माँ कहेगा। और तुझे पता है, तेरा बेटा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, और जान ले भी सकता है तेरी। जान लेने और जान देने का खेल बहुत हो चुका, अब तेरा खेल खत्म होगा डाकिनी। नहीं, मैंने पहले भी कहा था मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दे सकती, अभी तो तुझे और भी बहुत सा दर्द सहना है। ये जानना जरूरी है कि इस द्वार को किसने खोला है, कौन हो सकता है वो, कहीं वो आफत तो नहीं? ए, यहाँ आओ। यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो? हाँ, यहाँ किसी को तुमने देखा था? सैनिक यहाँ आओ और आकर समझाओ मुझे कि ये गूंगा क्या बताना चाह रहा है। फिर से करके दिखाओ जरा इसे,
क्या कह रहा है ये सफाई करने आया था और सफाई करते करते इसका पैर द्वार के बीच में अटक गया, इससे ये द्वार खुल गया। एक सफाई भी ढंग से नहीं होती ना तुमसे, ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो आफत यहां तो नहीं आई, तो फिर गई कहां? सैनिक इस द्वार को बंद करवा देना। आज कोई पत्थर हो या काटा या फिर वो टाकिनी क्यों ना हो, आज मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मुझे हर हाल में अपनी नानी के पास पहुंचना है। जय अम्बे माँ। शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। ये आप खुद से औषधि क्यों लगा रहे हैं? हमें बुला लिया होता। माँ वो हमें पता है कि आप पहले ही बहुत परेशान हैं, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे। अपने बेटे को औषधि लगाने में एक माँ के हृदय को शांति मिलती है, परेशानी नहीं होती। कितने भाग्यशाली हैं अम्मा, क्या मैं आप जैसी माँ मिले। अच्छा ऐसी बात है, फिर बुलाए क्यों नहीं अपनी माँ को? गलती हो गई। वैसे हमें नहीं तो कम से कम उस दासी को ही बुला लेते, वैसे भी उस दासी ने अब तक बस मुसीबतें पैदा की, कम से कम इस वक्त तो काम आती। दंड मिलेगा उसे, अभी बुलाते हैं उसे। की सेवा की जिम्मेदारी दी थी हमने उसे, पर आपको छोड़कर पता नहीं कहाँ घूम रही है वो। नहीं माँ, हमने उसे भेजा है बगीचे में कृत कुमारी लाने के लिए।
बस आती होगी। अच्छा चलिए फिर तो बच गई वो दंड से, मगर आप नजर रखिए उस पर, बहुत चालाक लड़की है वो, न जाने कब और कौन से संकट को आमंत्रण दे दे। आराम कीजिए। जी मां। पर हमने उस घमंडी लड़की के लिए मां से झूठ क्यों बोला? उसे दंड मिलता तो अच्छा ही होता ना। हाँ उसे हमारी दया की जरूरत नहीं, नफरत करते हैं उस घमंडी लड़के से। देख कनक, तू अगर इस तरह चंद्रलेखा की बात मानती रहे ना तुझे अधिराज मिलेगा और ना ही ताज। तो इसीलिए अब तुझे खुद अपने लिए लड़ना होगा। पर माँ उस डाकिनी सुलझना संभव है क्या? मुझे बर्बाद होने का कोई शौक नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, किसी के पैरों में गिरने से कोई आबाद नहीं होता है। अगर आबाद होना है तो अपना रास्ता तुझे खुद बनाना होगा। मतलब? देख तू इतनी सुंदर है और तेरे सामने उस गवार की क्या औकात, तो अब बस तुझे इस सुंदरता का फायदा उठाना है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अरे अरे कोई से पानी तो पिलाओ। बेटा बेटा तू ठीक तो है ना? बेटा अब आप देखना मैं कैसे उस अधिराज को अपने रूप के जाल में फंसाती हूँ और उस डाकिनी को अपने बुद्धि के बल से अपनी मुट्ठी में करती हूँ। किसे अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रही हो कनक? किसे अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रही हो कनक? डाकिनी का नाम लिया और डाकिनी हाजिर। सांप क्यों सूंघ गया तुम दोनों को? मैं तो बस रहने दो। जानती हूं मैं जितनी मूर्ख तुम हो उतनी ही मूर्खता भरी ये योजना होगी, इसलिए मुझे जानने में कोई रुचि नहीं। और वैसे भी मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ यहां से। पर क्या काम है चंद्रलेखा? तुमने फिर मुझसे प्रश्न करने की गलती की, भूल गई उस दंड को? मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि तुम हमें कहां जाने के लिए बोल रही थी। उस आफत पर नजर रखनी, जाकर देखो वो कहां है और क्या कर रही है, ध्यान रखो उसका। आज तो कुछ भी हो जाए मैं इसे बुला कर रहूंगी। हे महाशक्तिशाली, हे महागुणी, तुम ही हो अद्भुत, तुम ही परम ज्ञानी, हम सब डाकिनियों को शिक्षा देने वाली भी तुम हो।
हम सबको शक्तिशाली बनाने वाली भी तुम हो। आज मुझे एक बार फिर तुम्हारी जरूरत है। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। मंत्रलेखा, ओ मंत्रलेखा, कितना सताओगी मुझे, कितना नाराज रहोगी, और अपनों से कैसी नाराजगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, दया करो मुझ पर। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें यूं ही आवाज देती रहूंगी और तुम मुझे अनसुना कर दोगी? चंद्रलेखा को अनसुना करना आसान नहीं, इतनी शक्तिशाली हूं मैं। हाँ, देखी नहीं तुम्हारी शक्ति? अभी बस थोड़ी देर पहले जब तुम मेरे दर्शन पाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, और अभी तुझे गिरगिट की तरह रंग बदल कर देख कर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रानी हूँ, गिरगिट नहीं। शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता, और महल में रहने से डाकिनी रानी नहीं बन जाती। कौन मानता है तुझे रानी? वही दो चार लोग जो तुम्हारे गुलाम हैं। अरे तेरा तो वो हाल हो चुका है, तू ना ही पूरी डाकिनी है और ना ही पूरी रानी, समझी रानी साहेब? अधिराज, अधिराज, ये लीजिए अधिराज, खास औषधि आपके लिए। पी लीजिए। कनक, हमें नहीं पीना है। अधिराज पी लीजिए, रानी माँ ने अपने हाथों से बनाई है, उन्हें बुरा लगेगा। अधिराज, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं कनक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप हमसे इतने उखड़े खड़े से क्यों रहते हैं? हमारा विवाह होने वाला है और हम दोनों में इतनी दूरी, आप तो जानते ही हैं कि अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो अब तक हमारा विवाह हो गया होता, और सोचिए हम कितने करीब होते। ठीक है कनक, तुम इसे तुम्हारा तो हम पी लेंगे। तू हमेशा मुझे खरी खोटी क्यों सुनाती रहती है? आखिर बहन हूं तेरी, उम्र में भले ही छोटी हूँ तुझसे, मगर विद्या तुझसे अधिक सीखी है, और सफल भी तुझसे अधिक हूँ। फिर तो तुम्हें सफलता की परिभाषा ही नहीं पता, कहीं तुम जवान रहने के चक्कर में बूढ़ी तो नहीं होती जा रही हो? क्या और क्या, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है चंद्रलेखा, तभी तो तुम भूल गई है कि जिस विद्या पर तू इतना इतरा रही है वो विद्या मैंने ही तुझे सिखाई है। और शायद तुम ये भूल रही हो कि वो विद्या पाते ही मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो कहते हैं ना, गुरु गुड़ और चेला चीनी। चेले ने धोखा दिया होता तो एक बार मैं भूल भी जाती, यहाँ तो धोखा अपनी ही बहन ने दिया है, तो इसे भूल पाना तो असंभव है। देख, क्रोध मत कर मंत्रलेखा, तूने ही तो सिखाया है, क्रोध की अग्नि हृदय को जला देती है। छोटी बहन हूँ तेरी, कोई दुश्मन तो नहीं जो इतना गुस्सा कर रही है? चल बता धोखेबाज, इस बार किसे धोखा देना चाहती है? धोखा नहीं देना चाहती इस बार, जान लेना चाहती हूँ, और इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वो हमारा पैर फिसल गया था। ये लीजिए अधिराज, पी लीजिए।
वरना हम रानी माँ से आपकी शिकायत कर देंगे। इसमें औषधि नहीं बल्कि वो जड़ी बूटी मिली है जिसके प्रभाव से धीरे धीरे तुम मेरे वश में आ जाओगे। है एक लड़की आफत, उसका दूसरा नाम सुनैना है। उसने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। दूसरों की आजादी छीनने वालों का अगर थोड़ा सा सुख चैन छीन जाए तो उससे बुराई क्या है? और तूने सोच कैसे लिया कि जिस बहन को तूने बंदी बनाकर रखा है वो तेरी मदद करेगी? ठीक है, फिर तू ही बता कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। पता, माफी मांगू तुझसे? मांगना चाहती है तो मांग ले। ये मुझ पर निर्भर करेगा कि मैं तुझे माफ करूंगी या नहीं। तुझे क्या लगता है कि चंद्रलेखा तुझसे माफी मांगेगी? चंद्रलेखा कदमों में झुकाती है, झुकती नहीं। अब नहीं झुकेगी तो अकड़ के टूट जाएगी। अब तू टूटे या तेरी किस्मत फूटे, मैं तो चली। अरे रुक, ठीक है जा, मैं खुद ही निपट लूंगी उस लड़की से। ऐसे क्या देख रहे हो? कहां थे तुम? हम तुम्हें कब से बुला रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं देता। पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब चुप क्यों खड़ी हो? अब जवाब दो ना सुनैना। सुनैना, मुझे पता है
कि तुम मेरी सच्चाई और इस महल के रहस्य के बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हो। इससे पहले कि इस 21 साल के रहस्य के बारे में तू सबको जाकर बताए, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मौन कर दूंगी। शबा, मेरी बच्ची को कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ नानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। मैं तुमसे दोबारा दूर नहीं जाना चाहती नानी। डर मत बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं तेरी नानी, तेरे साथ हूँ ना बेटा। तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ नानी, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दूसरा जन्म मिला हो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी नानी के पास फिर से आ गई। नानी, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती थी। क्या बताऊँ तुझे बेटा, कि तेरी याद में हम लोगों की क्या हालत थी। तेरी खोज में मैं और तारा कहाँ कहाँ न भटकी बेटा। नानी, तारा कहाँ है? क्या बताऊँ बेटा, तारा के पैर तो आजकल घर में रहते ही नहीं, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं बताती क्या? छोड़ बेटा, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। पहले तू मुझे बता बेटा कि तू कैसी है और तू इतनी देर कहाँ रही? वो सदृश्य महल में। जहाँ ढेर सारे राज छुपे हुए हैं, मैं वही थी, उस राज महल में। क्या? हाँ नानी, तुम सही कहती थी, जंगल की दूसरी तरफ वो राज महल अभी भी है, पर आम लोगों को दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अदृश्य है। छोड़ते तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अगर वो औरत नहीं होती तो तेरी सुनहरा जिंदा नहीं होती। ये सब अम्बे माँ की कृपा है बेटा। पर ये तो बता बेटा, वो औरत थी कौन? पता नहीं, थोड़ी बूढ़ी सी है, जिसे उस डाकिनी ने सालों से बेड़ियों में जकड़ कर रखा है। उनकी आंखों में मैंने डर नहीं बल्कि ढेर सारा प्यार दिखाई दिया। सुने ना बेटा, कुछ उस बक्से से वो संदूक तो ला दे। जा। नानी, संदूक ले आई। बेटा, वो संदूक खोल, उसमें देख एक लाल किताब है ना? ये क्या है नानी? इसमें एक चित्र होगा, इसे खोल तो सही। नानी, ये क्या है?
अच्छा बेटा बता तो, ये वही औरत थी ना जिसे तूने देखा था? पता नहीं, थोड़ी कमजोर और बूढ़ी सी थी वो। सोच के बता बेटा, क्या तूने इन्हीं सुरंग के अंदर देखा? कोई बात नहीं, स्टॉप। हाँ इसका मतलब है रानी साहिब जीवित है। क्या रानी साहिब? तुम कहना क्या चाहती हो नानी? वो औरत रानी है? का मतलब जिन्होंने मेरी जान बचाई वो मेरी माँ की सबसे अच्छी सहेली और उस राजमहल की असली रानी है। हाँ बेटा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मैं असली रानी साहिब से मिलकर आ रही हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि रानी साहिब जीवित है। हम सबको लगा था कि डाकिनी ने रानी माँ को भी मार दिया होगा, किंतु अंबे माँ की कृपा और रानी साहब के आत्मविश्वास ने उस काले शक्ति के कहर से उन्हें बचा लिया। पता है नानी, मुझे लगा था कि अंबे माँ ने रानी साहब को अपना दूत बनाकर भेजा है मेरी जान बचाने के लिए। नानी मुझे कुछ और बताइए ना रानी साहब के बारे में। बेटा, राजा साहब और रानी साहब इतने दयालु और उदार थे, मैं तुझे क्या बताऊं? इस कारण पूरा गांव उन पर अपनी जान छिड़कता था। तेरे माता पिता तो उन्हें भगवान का रूप मानते थे और रानी साहब तेरी माँ को उनकी सबसे अच्छी सहेली। उन दोनों की दोस्ती देखकर ना कृष्ण और सुदामा की याद आ जाती थी। अरे सुनो, उतना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? वो तो आपके कक्ष की तरफ गई थी रानी साहब। कक्ष की तरफ? रानी साहब बहुत खुश होगी ये समाचार सुनकर। ओए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कहो, पहले आप कहिए। पहले तुम कहो उतरा। नहीं रानी साहब, पहले आप बताइए, क्योंकि आपका स्थान सर्वोपरि है। तुम बहुत जिद्दी हो उतरा। अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले अंबे माँ का नाम लेंगे और फिर एक साथ कहेंगे, ठीक है? ठीक है। जय अंबे माँ, हम माँ बनने वाले हैं। तुम भी? आप भी? हाँ, अंबे माँ की कृपा से हम दोनों माँ बनने वाले हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था नानी, रानी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और उनका दुर्भाग्य तो देखो, इतनी अच्छी होकर भी उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। 21 साल से वो उस डाकिनी की कैद में है। पर खुशी इस बात की है कि रानी साहब अब तक जीवित है। ऐसा आत्मबल तो माता के सच्चे भक्तों में ही हो सकता है।